सर एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप अभी महाराष्ट्र में हैं, कैसे देख रहे हैं आप इलेक्शंस को? और क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस का परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रहा है महाराष्ट्र में, वो कंटिन्यू होगा, लेकिन साथ ही जो समस्याएं हैं सीट शेयरिंग की, या फिर कुछ सीटों पे जो अभी भी गठबंधन के बीच सख्ती चल रही है, फिर आपके जो कुछ कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे दो दो फॉर्म्स भर दिए गए हैं, कुछ रेबल्स हो गए, कैसे देख रहे हो आपके पास पूरे महाराष्ट्र में? ये वैसे महाराष्ट्र में ज्यादा हो रहा है, चुनाव के समय कोई भी राजनीतिक दल इसे बचता नहीं है, चाहे बीजेपी होगी, चाहे शिंदे जी की शिवसेना होगी, चाहे पवार जी दूसरे पवार जी की, अजीत पवार जी की एनसीपी होगी, ये सभी दलों में कांग्रेस होगा, उद्धव जी के यहां मैंने एक आध सुना है, ज्यादा तो नहीं सुना है, यहां पर ऐसी स्थितियां सुनने में आती हैं, चुनाव के समय हमेशा होता है, और प्रयास यही रहता है कि लोगों को समझाया जाए और उनको अपने पार्टी के मुख्य धारा से जोड़ के बेहतरी के लिए, महाराष्ट्र की बेहतरी के लिए, पार्टी की बेहतरी के लिए, जिसके वो भी हिस्सा हैं, सबकी बेहतरी के लिए हम काम कर सकें। और ये पहल चल रहा है, कई जगह सफलता भी मिली है लोगों को साथ दोबारा जोड़ने में, और आगे भी प्रयास हो रहे हैं कि जितनों को भी हम समझा के जोड़ सकें। इसमें फायदा किसी का नहीं, फायदा हमेशा दूसरे का होता है। रिबेल की जो स्थिति आती है, अपवाद है, ठीक है, कहीं कोई परिणाम आ जाए, अन्यथा दो की लड़ाई में तीसरे को फायदा होता है, तो वो अपने को नहीं देना चाहिए। हम लोग कमिटेड कांग्रेस पर्सन हैं, या हम जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो उसके हित में काम करना चाहिए, और प्रयास हो रहा है। यहां के सीनियर्स सब लगे हुए हैं, चेनी तल्ला जी भी तीन चार बार मेरे पास भी फोन आ चुका, कैसा है, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। यहां लोकल लीडरशिप भी जो है, जिला कांग्रेस कमेटियां, सीनियर लीडर्स सब पहल कर रहे हैं, और कोशिश है कि 4 तारीख तक जितनों को समझाया मनाया जा सके उनको पार्टी की मुख्य धारा से हम लोग जोड़ लें।